हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है लक्ष्मी नेगी और मैं रहने वाली हूँ केदार घाटी के खूबसूरत से गांव गुप्तकाशी और इसी के नीचे पे जो बसा हुआ है छोटा सा सुंदर गांव भैसारी। आते तो हम गुप्तकाशी में ही हैं लेकिन रहने वाली तो भैसारी की हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे, हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो मेरी छोटी बेटी है वो अभी सो रही है, जब तक वो उठती है उससे पहले मैं अपना खाना बनाने का जो काम है वो ख़त्म करूँगी, क्योंकि फिर वो उठती है ना तो उसके बाद वो कुछ काम करने भी देती है, सारे दिन बोलती है उसको गोदी में ही रखो। तो चलिए मैं बनाऊँगी आज काली दाल का चौसा और भात, जो मुझे ससुर जी और सासू जी सबको पसंद है घर में। तो मेरे हस्बैंड जी है वो गए हैं शादी में, कल ननद की शादी में तो वो बारात में गए हैं तो वो वहीं खा के आएंगे। तो हम मैं तीन लोगों का खाना बनाऊंगी घर में। तो आज हमारे खाने में जो है स्पेशल है वो है काली दाल का चौसा। मम्मी ने भेजा था मायके से मेरे लिए, स्पेशली ढूंढ के लाई इधर उधर से, तो उन्होंने काली दाल भेजी थी मेरे लिए घर की। तो मैं आज उसी का चौसा और भात आपको चौसा बना के आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। तो ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये सुंदर सा गांव, ये है भैसारी गांव और इसी के ऊपर जो दिख रहा है वो है मार्केट, गुप्तकाशी मार्केट। तो ये खूबसूरत सा गांव जो है वो केदार घाटी और मध्यमेश्वर घाटी के बीच में बसा हुआ है और बहुत ही सुंदर दिखता है यहाँ से चौखंबा पर्वत। तो बहुत बर्फबारी हुई है आजकल और उस पर सुबह तो मौसम बहुत अच्छा था लेकिन अभी आप देख सकते हैं उस पर बादल आने लगे हैं और शाम तक मौसम एकदम ख़राब हो जाता है। और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये उखीमठ है। चलो जल्दी से चलो खाना बनाती हूँ मैं अब, क्योंकि उसके बाद मुझे वैष्णवी को लेने भी जाना है स्कूल में। ले ली है मैंने आधा कटोरी काली दाल और अब मैं इसको पीस के पीसूंगी और फिर इसका बनेगा स्वादिष्ट सा चौसा। तो चौसा मैंने पीस लिया है और अब इसको बनाना स्टार्ट करूंगी मैं। मैंने चूल्हे में जो है वो चावल भी चढ़ा दिए हैं और उसके लिए चौसे के लिए गर्म पानी भी रख दिया है, ये हो गया है गर्म। और प्याज टमाटर और लाल मिर्च और चौसा भी पीस के रख लिया है। तो अब हम बनाएंगे काली दाल का चौसा। गरम हो चुके हैं और हम इसमें डालेंगे अब तेल। ये तेल हो चुका है गरम और मैं उसमें डालूंगी दो तीन लाल मिर्च, क्योंकि ससुर जी को पसंद है लाल मिर्च तली हुई। तो ये देखिए लाल मिर्च ये बिल्कुल भुन चुके हैं, इसमें डालेंगे हम जखिया। और चावल भी बिल्कुल रेड होने वाले हैं। चावल बनके रेडी हो चुके हैं। रेडी हो चुका है, उसमें डालूंगी मैं अब जो मैंने काली दाल पीसी हुई थी। तो हम इसको अच्छे से भूनेंगे कि इसका जो टेस्ट है वो अच्छा टेस्ट आए। इस पर इसको जितना भूनोगे जलने नहीं देना।
अच्छे से हिलाते हुए रहना है ताकि ये गले ना और अच्छे से भुने। तो चलिए ये अब भून चुका है, उसमें से अब खुशबू आने लग गई है, लेकिन हमने इसको अब ये ज़्यादा रखा तो ये जल जाएगा फिर, तो हमने जो गर्म पानी करके रखा था इसके लिए वो इसमें डालूँगी। बहुत इजी सी रेसिपी है, आप लोग भी बनाएं, इसका आनंद लें। इसमें मैं थोड़ा पानी और ऐड कर लूँगी ताकि हमारे लिए सबके लिए पूरी हो जाए। देखिए ये महारानी जो है वो उड़ चुकी है और ये कुछ चिकन नहीं देती, बस मुझे ये गोदी में पकड़ के रखो। हेलो कर रही हो आप? हेलो कर रही हो? हाय करो, टाटा करो, टाटा टाटा। ये 1 साल की हो गई है, इसका बर्थडे था जनवरी में। देख बाय बाय कर रही है। धनिया मैंने धो के काट लिया है, उसमें डालूंगी मैं धनिए को, इससे इसका अलग ही टेस्ट आता है। वो घर का धनिया हो तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो चौसा बनके हो चुका है हमारा रेडी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अपनी तारीफ अपने ही मुंह से। सासू जी आ गई हैं खेत से, ये बांट रहे हैं हमको खाना, इन्होंने रख दिया है हमारे लिए खाना। चौसी बना रखी है हमने काली दाल की, खाने दाल की पवन इसको ना बोल दे रहा तू ना। किसने? आपको क्लास में मारा। किसने मारा? क्लास में। किसने? क्लास में। अरे किसने मारा था वो? मुझे मारा था, मैं मेरी बैग। इसको रिश्वत चाहिए खाना खाने के लिए, पहले किंडर जॉय दो फिर खाना खाएगी। चलो अब चलो चलो लंच फिनिश करो। चलो क्यों मम्मी? अरे उसको बाद में खाएंगे बेटा, उसको बाद में खाएंगे। चलो नहीं, नहीं मम्मी, पहले इसको खाओ। चलो मम्मी। कैसे हो रहा? अच्छी। अच्छी हो रहा? हाँ। टेस्टी हो रहा? नहीं। नहीं हो रहा? अच्छी। अच्छी हो रहा? हाँ। खाली अच्छी हो रहा? अच्छा। यमी नहीं हो रहा? अच्छी हो रहा। तो फ्रेंड्स आज मेरी फ्रेंड योगिता कॉलोनी आई थी हमारे घर, चाय पी ली है। उस टाइम बच्चों ने इतना आतंक मचा दिया कि वहाँ का वीडियो नहीं बना पाए हम। तो ये जाने वाली है अब घर, लेकिन पहले ही अपना इंट्रोडक्शन दे दे क्योंकि ये भी यूट्यूबर है और मैं इसी से सीखी हूँ वीडियो बनाना। तो दोस्तों मेरा नाम है योगिता कॉलोनी और मेरा यूट्यूब पर चैनल है योगिता कॉलोनी ऑफिशियल ब्लॉग नाम से। तो प्लीज आप लक्ष्मी को भी सपोर्ट करना और मुझे भी सपोर्ट करना। इतने गंदे वीडियो भी नहीं बनाते और इतने घटिया वीडियो भी नहीं बनाते जो आप लोग देख ना सको यार। प्लीज लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो यार हमारे चैनल को। इतनी भी क्या नाराजगी हो गई हमसे? बड़ी नहीं रहे? हाँ जरूर सब्सक्राइब करना प्लीज, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम यूं ही फिर आगे वीडियो डालते रहेंगे, वरना पूरे सारे दिन की मेहनत बेकार चली जाती है जब उस पर। हाँ जब सब्सक्राइब ही ना बढ़े और व्यू ही ना आए तो फिर सारे दिन की मेहनत तो बेकार ही जाएगी ना। ये घर जा रही है, इसने घास के लिए जाना है, मैंने भी जाना है, अभी बर्तन भी धोने हैं। बाय योगिता। बाय। ठीक है बाय। तो फ्रेंड्स
शाम के बज चुके हैं 5:30 और मैं जा रही हूँ पेड़ काटने। तो मैं दिखाऊंगी मैं आपको कौन सा पेड़ काट करूँगी मैं। देखो वो धूप देखो अब जाने वाली है और रात होने वाली है। तो ये हमारे गेहूँ का खेत है, ये सामने जो दिख रहा है सुंदर सा खिमट है। और चौखंबा भी लगे हुए हैं बादल, वरना इतना सुंदर लगता है इस टाइम, क्योंकि धूप उधर ही और चमक रही है, इधर हो गया अंधेरा, लेकिन वहाँ बादल लगे हुए हैं। और ये जो है ये है फ्योली के फूल, आजकल आप लोगों को हर जगह दिखाई देंगे फ्योली के फूल, क्योंकि बहुत जल्द ही फूल दी त्यौहार है वो आने वाला है। बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल होता है, जिसे पहाड़ों में ही मनाया जाता है और इसे घग्या माता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से हमारा घर है वो नीचे दिखाई दे रहा है। मैंने ये वाला पेड़ कट करना है, तो मैंने पेड़ कट कर लिया है और उसको मैं अब भारी लगाऊंगी इसकी। और वहाँ भी किया है मैंने एक पेड़ कट, वहाँ भी काटा है मैंने, देख सकते हैं आप। घास की भारी लगा दी है और मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि घर में करे बच्चे इंतजार। पहाड़ी महिलाओं की लाइफ यही होती है दिन भर की, बस और क्या करें। घास की भारी हो रही है थोड़ी गर्री, लगता है कुछ ज़्यादा ही काट लिया है। पेड़ है ना इसलिए थोड़ा भारी हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, घर नज़दीकी है अभी ले जाती मैं। तो सनसेट भी होने ही वाला है, इस और तो सारा अंधेरा ही हो गया है, बस सूखी पट में ही धूप है थोड़ी बहुत, थोड़ी देर में वहाँ भी अंधेरा हो जाएगा। और ये देखिए मूल के पेड़ पे भी फूल खिलना स्टार्ट हो गए हैं, चैत का महीना जो लगने वाला है, बसंत वाला, बसंत का महीना। तो गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी गौशाला में, ये धन्नो रानी है जो लेट रखी है, बस सारा दिन इसको खाना ही चाहिए घास घास घास। तेरे लिए लाई हूँ मैं इसको, ठीक है ऐसे घूर के मत देख। बाय धन्नो, बाय। तो फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ घर और मैं अपना जो आज का वीडियो बनाया था तो वो यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ मैं लक्ष्मी नेगी मिलती हूँ आपको अपने नए वीडियो में, और इसी के साथ जय देवभूमि जय उत्तराखंड।